आप लोगों ने जैसे सीआरपी या फिर एएसआई स्टैंडर्ड का फॉर्म डाला है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने क्या करा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फॉर्म डाला है, ठीक है, पहले इसकी प्रोग्रेस अलग थी, अब इन्होंने अलग कर दी है, ठीक है। अब पहले क्या है, फिजिकल होता था, फिर रिटेन के बाद में स्किल टेस्ट होता था, उसके बाद में मेडिकल, फिर आपका ज्वाइनिंग करा देते थे। इस बार क्या करा है इन्होंने, पहली बात तो है कि फॉर्म पे एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, स्टैनो का या फिर क्लर्क का, दोनों नहीं डाल सकता एक बच्चा, उस कंडीशन में रद्द कर रहे हैं। अब क्या करा है, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर जाके मेडिकल होगा। सही है, सब बात बहुत ही इजी पड़ेंगी आपकी। पहले ऑफलाइन पेपर होता था ऑब्जेक्टिव टाइप का, अब जो है कंप्यूटर होगा, उसमें कोई ज्यादा हटपन नहीं है। आप अभी लिखित की तैयारी करोगे तो अब से हो जाएगी। बात ये आती है सबसे ज्यादा कि सर इसकी शॉर्ट हैंड बहुत हार्ड बोलती है, कि शॉर्ट हैंड में बच्चे पास नहीं होते, तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं, ठीक है, मैटर बहुत हार्ड बोलते हैं, कोई हार्ड नहीं बोलता। पहली बार करा रहे हैं क्या ये लोग हार्ड बोलेंगे? यहां से तो बच्चे पहले भी पास हुए हैं, पहले जब भर्ती आई थी सीआरपीएफ में, निबंध वाला बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसमें से, दैनिक जागरण की समीक्षा, अगर जिसने दैनिक जागरण की समीक्षा अच्छी तरीके से लिखी है 90-100, वो 80 निकाल जाता है। और अभी से तो इतना अच्छा टाइम है इसमें, जो भी बच्चा इसकी भारत के अंदर कहीं से भी कोने से तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ एएसआई स्टैनो की, और आपके क्षेत्र में कोई भी स्टैनो कराने वाला नहीं है, ठीक है, या वो करा रहे हैं तो बहुत टाइम ले जाते हैं और बहुत समय से सिखा रहे हैं और आज तक स्पीड ही नहीं बनी है किसी की। कोर्स सीख गए, सीखने के बाद में उन लोगों से क्या है कि स्पीड नहीं लिखी जाती, स्पीड लिख लेते हैं तो ट्रांसलेट नहीं हो पाता, ट्रांसलेट हो जाती है, गलतियां बहुत आ रही, सब समस्या बनी पड़ी है। भाई क्या करो यार, ऐसी चीज को छोड़ छाड़ के क्या कर रहे हो आप, 1-1.5 महीना निकाल के आ जाओ यहाँ पर, ना मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा ना ही आपसे फीस जमा कराऊंगा, पहले पढ़ लो देख लो, फिर उसके बाद में अपने मन से कर जाना जो भी करो, ठीक है। आप लोग स्टैनो बन जाओगे, मेरा उद्देश्य ये है कि स्टैनो बन जाए। स्टैनो में जो जगह खाली जा रही है ना, मेरा खून तब जलता है सबसे ज्यादा जब तो उसके नीचे लिख के आती है, अखबार में देते हैं ना कि इस पद लाख योग्य व्यक्ति ना मिले, तब खून जलता है। तो स्टैनो में नहीं रह सकते आप लोग, यहां तो बच्चे टॉप कर करके जाते हैं। आप तो इसी चैनल पे जाके और वीडियो देख लो, कितनी कितनी एज के बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं और कैसे जुनूनी से सीख रहे हैं, टाइपिंग भी और शॉर्ट हैंड भी, जो हर जगह का टाइमिंग है 6 महीने का, 1 वर्ष का, स्पीड कराने का, यहाँ रहता है तुम्हारे अंदर जितना जुनून है। यहाँ आपको मैं बता दूं, झारखंड से बच्चा आया था, 5 दिन में उसको कोर्स करा के, 5-3 दिन में कोर्स करा के 14 दिन में उसकी 60 की स्पीड करा दी। मैं क्यों कहूँ ऐसे, उससे खुद पूछ लेना। 50 की स्पीड मांगी थी उसके बाद विधानसभा में, और 60 की करा के भेजा था वो। ये भी नहीं, और भी 2015 SSC स्टैनो में 1.5 महीना पढ़ाया था, 100 की स्पीड 90-80 करा दी थी उसकी, SSC ज्वाइन करा थे, CBI में क्वेश्चन है। तो एक उदाहरण है, तमाम उदाहरण है यहाँ पर आपको, तो मैं एक नंबर दे दूंगा ऑफिस का, 82-73-51-70-90, इस पर आप मैसेज करोगे ग्रुप में जोड़ देंगे, ग्रुप में से बच्चों का किसी का नंबर उठाना, उनसे पूछना यहाँ का पढ़ने का तरीका क्या है, समझ गए। और आप तो खूब आगे जहनता से तब देखें, ऐसा ही स्टैनो में सबसे मेहनत हो जाती है शॉर्ट हैंड, अभी तो रिटेन का कर लो और फिर ये होगा क्या वहां भारत में कहीं भी किसी भी राज्य कोने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड की वजह से आप रह जाते हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो भाई मैं बता देता हूं इतनी बढ़िया पोस्ट होती है शॉर्ट हैंड की, स्टैनो की बहुत अच्छी वाली, और ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग के वजह से बच्चे नहीं लग पाते हैं। तो मैं कहता हूं आपका कहीं भी टेस्ट है, चाहे आपके कोर्ट में, चाहे आपकी विधानसभा में, चाहे SSC का, चाहे रेलवे का, कोई भी टेस्ट है, आप निसंकोच होकर 1-1.5 महीना निकाल के यहाँ आ जाओ, मैं स्पीड करा दूंगा आपकी, समझ गए। किसी की बातों में नहीं आए कि ये बहला रहा है, घुसला रहा है, कि इस तरीके से नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है, तो आप आ जाएं। वो लोग बहुत ऐसे होते हैं कि करण से पहले नकारात्मक वाले हैं, तो व्यक्ति वाले हैं, वो उनसे बात ही मत करा। मैं तो तुमसे खुद कह रहा हूं, मैं तुमसे ना कोई फीस जमा करा रहा, ना रजिस्ट्रेशन करा रहा, आके पढ़ लो। मेरा उद्देश्य है कि पोस्ट जे खाली ना जाए, लग जाए, क्योंकि बहुत समय बाद निकले। सही है, यहां पर पूरे पूरे दिन की क्लास लगा दी जाती है, पूरे
आप पढ़ने वाले जुनूनी बच्चे हैं तो आकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनसे रिव्यू ले लो आप अच्छी तरीके से। शॉर्ट हैंड की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की वजह से। अगर समय निकाल के आ गए, 1-1.5 महीना निकाल के आ जाओ, कोई सी भी स्पीड आपकी 60 की 70 की 80 की 90, मैं पूरी स्पीड कराता हूँ। और किसी फैकल्टी से नहीं पढ़वाऊंगा, मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? जितना छोटा और सरल करके पढ़ाता हूँ वही चीज होगा। क्या इसमें 10 मिनट की वहां पर जब आप जाओगे, लिखित परीक्षा तो है पहले नंबर पे। लिखित परीक्षा मतलब क्या है, कंप्यूटर पे होगी, वो अगर पास कर जाओगे दूसरे नंबर पे होगा इसमें शॉर्ट हैंड। क्या होगी बेटा? शॉर्ट हैंड। और शॉर्ट हैंड जो होगी वहां होगी क्या, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। और 10 मिनट की जो डिक्टेशन बोली जाती है ना, यही फंसे रहते हैं कि बहुत हार्ड बोली जाती है, ये बोली जाती है, तमाम तरह की भ्रांति। यार कोई हार्ड नहीं है, देखो किसी ऐसे व्यक्ति की मत मानो जो एग्जाम में न बैठा है, समझ गए? यहाँ तो बच्चे पहले भी लगे हैं और अब भी हर कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग में फेल नहीं हो सकता, चाहे और रिटेन विटेन या मेरिट की वजह से हो जाए, किसी तो भी पूछ लेना यहाँ का रिकॉर्ड। तो देखें, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोलेंगे इसमें शॉर्ट हैंड, और 800 वर्ड हो चुके होंगे 10 मिनट में शब्द, और उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो टाइम देंगे, हिंदी अनुवाद जो करना है, तो हिंदी अनुवाद जो है इसका अनुवाद जो कराएंगे वो कराएंगे ये आपका 65 मिनट में। और जो के सर हिंदी अनुवाद कराएंगे तो टाइपिंग द्वारा कराएंगे, काय के द्वारा कराएंगे, टाइपिंग द्वारा। के सर हिंदी का टाइपिंग फॉन्ट कौन सा रहेगा, तो मंगल, मंगल का गेल भाग, कौन सा गेल। कोई बच्चा कुर्ती देव करता है ना, तो कुर्ती देव और गेल एक समान होता है, बस 4-5 वर्डों के अंतर आते हैं, ठीक है? कुर्ती देव के 860 भाग हैं, उनमें से 0-10, 0-16 यूज कराया जाता है अधिकतर, ठीक है? और मंगल के 9 भाग हैं, 9 में से 4 ज्यादा यूज कराए जाते हैं, जिसमें से 4 में से मंगल हिंदी रिविंगटन गेल करके आवेगा, ठीक है? गेल भाग पर आपका टेस्ट करावेंगे, सही? तो आप निशंक कुछ होके इसके लिए आप परेशान है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग ना होगी, आ जाओ आप, मैं करा दूंगा शॉर्ट हैंड, ओके? पर हाँ कि सर आप आ नहीं सकते कि ऑनलाइन ही करा दो, कि करा दो, ऑनलाइन में टाइम लग जाएगा, ऑनलाइन में कैसे करा पाऊंगा, ऑफलाइन बहुत रहता है टाइम वहां पर, और वो जो क्लास ऑफलाइन चल रही है वो ही मैं अपलोड कर सकता हूँ, ऑनलाइन तो टाइम ही नहीं निकल के रहा है। और जो अच्छी खासी स्पीड लाना है और जल्दी करना है तो ना ऑफलाइन ही कर पाते हैं, वो वर्ड बताने, छोटे से छोटा लिखना, सरल लिखना, सही तरीके से लिखना, वो वाली चीज, सही है? तो आप आ जाए, किसी भ्रांतियों में ना पड़े, ठीक है? फीस का इतना कुछ नहीं है, यहां पर आओ पढ़ो सिलेक्शन लो, ये चीज है, समझ गए? स्टैनो की शॉर्ट हैंड की वजह से स्टैनो की जगह खाली ना रहे, मैं ये चाहता हूं, ठीक है? एक तो जॉब है ना ले जा रही है, और के शॉर्ट हैंड की वजह से, एक तो आयु बोर्डों को थोड़ा सा सचेत करवाने वाली बात आएगी, वो भी समझाएंगे थोड़ा सा, कौन से हिसाब से तुम कैसे कराते हो, ठीक है? चल कर लो।